आस्था का महापर्व छठ आने वाला है। ऐसे में फल सब्जियों के साथ साथ बांस से बने सूप और टोकरी का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है, पर इसे बनाने वाले की स्थिति कैसी है इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। तो चलिए आपको रूबरू करवाते हैं इनकी स्थिति से अपने इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार और लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत होने वाली है, इसे लेकर बाजारों में सारे सामान उपलब्ध भी हो चुके हैं। छठ पूजा में प्रयोग होने वाले सूप और दौरा जैसे सामानों की बात करें तो इनका निर्माण दलित समाज के लोगों के द्वारा किया जाता है। तस्वीर झारखंड पलामू के नावाडी पंचायत स्थित तूरी टोला गाँव की है, जहाँ आदिवासी तूरी परिवार बांस से बनने वाले सूप और टोकरी जैसे सामान बनाने में जुटे हुए हैं। इस गांव में 2 दर्जन आदिवासी परिवार इसी पेशे से जुड़े हैं। जंगलों में जाकर बांस खरीदकर उसे चिरकर और बारीकी से सूप व दौरा बनाने में ये लोग अपना पूरा समय देते हैं, लेकिन महंगाई और आधुनिकीकरण ने इनके व्यवसाय को प्रभावित कर दिया है। अब इस व्यवसाय में मेहनत के अनुरूप मुनाफा नहीं होता, जिससे इस पेशे से जुड़े तूरी टोला के आदिवासी परिवार आज तंगहाली की जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम लोग का यही धंधा है, हम लोग इसी से हम लोग गुजारा करते हैं, यही से हम लोग ये बांस का बनाया हुआ हर चीज हम लोग का, इसी से हम लोग का घर द्वार सब कुछ चलता है, इसी से हम लोग को सब कुछ करते हैं। लेकिन आए दिन देखते हैं जिस तरह से हर चीज़ टेक्नोलॉजी जैसे आ चुका है सामान, हम लोग सामान का मतलब जितना हम लोग करते हैं काम, वो चीज़ हम लोग को मेहनत मजदूरी नहीं मिल पाता है। हम लोग बेचते हैं इस चीज़ को, अपना मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत का पैसा नहीं मिल पाता है। इस विषय में सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए, सरकार हमारे इस चीज़ के विषय में सरकार हमसे कुछ बोल नहीं पाते हैं, हम पे सरकार ध्यान नहीं देते हैं। फायदा बांस करने में तो कुछ फायदा नहीं है, कमाते हैं ऐसे ही 100 रुपया होता है मुश्किल से, बढ़िया से मेहनत कीजिएगा तो होता है। सरकार घर से हम लोग फार्मो ये सब भरे हैं कुछ दिन, सबके आधार कार्ड फोटोकॉपी सब ले गई था, वो भी कुछ नहीं हुआ। वहीं धनबाद में सूप टोकरी के निर्माण का कार्य गोपीनाथ डी गांव के रहने वाले मोहाली समाज के लगभग 150 परिवार करते हैं। इसी व्यवसाय से ये लोग अपना भरण पोषण करते हैं। इनके द्वारा बनाए गए डलिया व सूप छठ की वजह से बाजारों की रौनक तो बढ़ा रही है, पर बाकी के साल ये नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। समाचार प्लस के लिए धनबाद से कुंदन सिंह के साथ पलामू से प्रभु दयाल तिवारी की रिपोर्ट। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।